भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पूरे देश के आइकन हैं। लाखों करोड़ों लोग उनके फैंस हैं, मगर विराट का एक फैन ऐसा भी है जो सबसे जुदा है, सबसे अलग है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान विराट कोहली की मुलाकात अपने सबसे बड़े फैन से हुई तो विराट की आंखें नम हो गई। विराट ने अपने फैन को गले से लगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पिंटू विराट कोहली के जबरा फैन कैसे हो गए। बता दें कि पिंटू ने अपने शरीर पर विराट के कई टैटू बनवाए हुए हैं। पिंटू बोहरा ने अपने शरीर पर भारतीय कप्तान से जुड़े हुए 15 टैटू बनवा रखे हैं और टैटू विराट को कितने पसंद हैं ये बात किसी से छुपी ही नहीं है। विराट के शरीर पर ही कई टैटू हैं, इसलिए विराट को अपना ये टैटू वाला फैन काफी पसंद आया है। पिंटू ओडिशा के रहने वाले हैं और बहुत ही मामूली आय वर्ग के परिवार से आते हैं। देश में होने वाले भारत का हर मैच देखने के लिए वो स्टेडियम पहुंचते हैं। विजाग में पहली बार पिंटू को विराट से मिलने का मौका मिला और जब मौका मिला तो कोहली ने अपने फैन को गले से लगा लिया। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट में सुधीर को सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े प्रशंसक के रूप में जाना जाता है। सुधीर सचिन के संन्यास के बाद भी हर मैच में टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाते हुए स्टेडियम में नजर आते हैं। सुधीर ने अपने शरीर पर तेंदुलकर का नाम और जर्सी नंबर 10 को चित्रित किया है, लेकिन विराट के जबरा फैन बहरा उनसे भी एक कदम आगे निकल गए और वो कोहली के प्रति अपना प्यार को जताने के लिए खुद के शरीर को विराट के टैटू से ढक लिया है। पिंटू बहरा ने बताया कि 3 साल पहले उनको विराट का पहला टैटू मिला था। पिंटू ने पहला टैटू 2016 में बनवाया था और अब देखते ही देखते ये संख्या 15 पर पहुंच गई है और आने वाले समय में ये टैटू जितने बढ़ेंगे विराट और पिंटू का रिश्ता और मजबूत होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।